हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज के इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज सुबह आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, और उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी। ओके व्यूअर्स, निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं। यहाँ मैं जब तक कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप उस पर्सन को विजुअलाइज़ करते रहें जिसको भी सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी कि जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उस इंसान को इस रीडिंग के दौरान विजुलाइज़ करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके व्यूअर्स, और ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। और देखिए, यहाँ हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए। बॉटम में हमारे पास आया है द आउटसाइडर एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं रीबर्थ, पॉलिटिक्स, लेटिंग गो, द माइजर एंड द स्ट्रेस। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी की। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास कार्ड आया है वो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। यहाँ म्यूचुअल एनर्जी के लिए हमारे पास द आउटसाइडर है। तो यहाँ आप दोनों ही ना इस रिलेशनशिप को, अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो एक आउटसाइडर की तरह ही अपने इस रिलेशनशिप को देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी लगातार आपकी कोशिश यही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ से अगर चला गया है तो वापस आ जाए, और अगर ये किसी और थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं तो वहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये पर्सन खुश है या नहीं है, आपको मिस करता है नहीं करता है। तो आप इस पर्सन पर नज़र बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस पर्सन को और अच्छे से जान पाएं कि क्या ये सच में आपसे प्यार करते थे या फिर ये कहीं आपसे प्यार ही ना करते हों पास्ट में, इस वजह से भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं। हो सकता है आपका दिल इतना बड़ा है कि आप चाहते हैं कि अगर ये पर्सन आपके साथ में खुश नहीं है तो आप ही इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएं, आप ही इस पर्सन को पूरी तरह से छोड़ दें ताकि ये ऑन एंड ऑफ जो सिचुएशन आप दोनों के दरमियान चल रही है कम से कम ख़त्म हो सके, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। और ये पर्सन तो कहीं ना कहीं आपको लगता ही है कि ये आगे बढ़ भी चुका है। ये विचार और ये थॉट्स जो है ना आप दोनों के मन में चल रहे हैं, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, फीलिंग्स आपकी हो सकती हैं या फिर आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। ओके व्यूअर्स, अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसकी है ये एनर्जी। चलिए बात कर लेते हैं बाकी सारे हमारे कार्ड्स की कि ये आज सुबह आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट कार्ड ही है रिबर्थ का है, तो ये पर्सन अपने कुछ बैड हैबिट्स हैं जिन्हें छोड़ना चाहता है। अगर इस पर्सन को ऐसा लगता था कि ये एक्शन नहीं ले पाए हैं, आपके लिए कुछ कर नहीं पाए हैं, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाल पाए या फिर उतने एफर्ट्स नहीं डाले इस पर्सन ने जितने इसको डालने चाहिए थे, तो अब ये आज सुबह अपने जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे बातें कर रहे थे कि ये इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप को, क्या सही किया जा सकता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के दरमियान हुई हैं क्या इन्हें ख़त्म किया जा सकता है, तो इसके बारे में ही बात हो रही है। यहाँ पर ना देखिए सेकंड कार्ड हमारा जो है पॉलिटिक्स है, तो यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी तीसरे पर्सन ने पॉलिटिक्स खेली है, आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई तीसरा पर्सन आया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये एक पॉलिटिशियन है, इनका ऑक्यूपेशन ही पॉलिटिक्स है। अगर ऐसा नहीं है ना तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी, ऐसी बहुत सारी बातें थी जिन्हें हाइड किए बैठा है, आपको इसने अपना असली रंग दिखाया ही नहीं है। अभी तक आप इस पर्सन का असली जो चेहरा था ना वो देख ही नहीं पाए हैं, आप भी हमेशा कन्फ्यूज्ड ही रहे कि ये इतने मिस्टीरियस टाइप का इंसान क्यों बना हुआ है, ये इतने मिस्टीरियस हैं कि आप कभी कभी इन्हें समझ ही नहीं पाते हैं, आप भी कन्फ्यूज्ड ही रहे इस पर्सन को लेकर के कि असल में ये हैं क्या, क्या आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, इनके दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं भी या नहीं है, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या फिर सच में जेन्युइन फीलिंग्स हैं इनकी जो आपको ये प्यार दिखाते हैं, या फिर क्या सच में ये पर्सन आपको इग्नोर इतना हद से ज़्यादा कर सकता है, आप मतलब बिलीव ही नहीं कर पा रहा है इस पर्सन की किसी भी एक्टिविटी पर, इसकी कही गई बातों पर। तो ये पर्सन आपसे लेट गो तो कर गया है ऐसा लग रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ना हमारे पास लेटिंग गो ही है, या फिर ये आपके सलाह भी हो सकती है कि आप को अगर ऐसा लगता है ये पर्सन आपके इसके रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स खेल रहा है तो आप इस रिलेशनशिप से लेट गो करके एक नई शुरुआत करें किसी और के साथ में, क्योंकि यहाँ ना हमारे पास लेटिंग गो है तो ये इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि शायद आपका पर्सन सब कुछ छोड़ छाड़ के लेट गो करके आपके जीवन में वापस आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको पूरी तरह से छोड़ कर ये अपने एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर चुका है।
अगर ऐसा है कि आपका पर्सन आपसे मूव ऑन कर गया है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है किसी अदर पर्सन के साथ में, तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है वो द माइज़र है। तो ये पर्सन आज भी आपकी यादों को समेटे हुए है, आपकी यादों में ही है, यानी कि ये पर्सन आपको याद करता रहता है। सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, इस पर्सन की यादों में आप ही हैं। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता था, हो सकता है किसी वजह से इस पर्सन ने आपको खो दिया हो, लेट गो कर गया हो, या आपसे इस रिलेशनशिप से, पर हाँ ये पर्सन आज भी आपको बहुत मिस करता है। आपकी यादों को इसने अपने दिल दिमाग से निकाला ही नहीं है। ये पर्सन आज भी आप ही की यादों के सहारे जी रहा है। आपके दिए गए गिफ्ट्स इस पर्सन ने संभाल कर रखे हैं। आपकी मतलब जो आप दोनों ने चैटिंग की थी वो भी अभी भी इस पर्सन की मोबाइल में है, और ये पर्सन ना आज भी आप ही की पिक्चर्स के सहारे ज़िंदगी गुजार रहा है। तो ये पर्सन आपकी पिक्चर्स को ही देख देख कर सुबह दोपहर शाम में जो भी काम करता है वो करता है। आप ही की पिक्चर्स से काफ़ी घंटों घंटों बातें करता रहता है, अपना हाल दिल उससे बयां करता रहता है। कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी अदर पर्सन ने पॉलिटिक्स के लिए आप दोनों को जुदा कर दिया है। अब ये पर्सन ना तो आपकी तरफ आ पा रहा है और ना ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहा है। ये पर्सन काफ़ी स्टक होकर रह गया है और ये पर्सन ना काफ़ी स्ट्रेस ले रहा है इस चीज़ का। देख रहे ना, लास्ट कार्ड हमारा स्ट्रेस ही है। तो ये पर्सन बहुत स्ट्रेस ले रहा है इस बात का कि आप इसके जीवन में नहीं हैं, ये आपसे मूव ऑन कर गया है, ये आपके इसके रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे सपने बुन चुका था। आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, आप घूमेंगे, कहीं हनीमून पर जाएंगे, एक ऐसी जगह जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो काफ़ी सारी ऐसी बातें आप दोनों के दरमियान हुई थी ना। तो ये पर्सन आज भी उन बातों को नहीं भुला पा रहा, आपके साथ को नहीं भुला पा रहा। तो ये पर्सन आज बहुत स्ट्रेस ले रहा था सुबह से ही, और अपने फ्रेंड्स में बैठकर ये बातें भी कर रहा था कि ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहा, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गया है किसी अदर पर्सन के साथ में, अपनी लाइफ को ना हंसी के खुशी के दिन गुजार रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन ना बहुत स्ट्रेस ले रहा है इस चीज़ का कि आप इसकी ज़िंदगी में नहीं हैं, ये लेट गो कर गया है आपसे। तो अगर ऐसा कुछ है ना, तो ये पर्सन भी खुश नहीं है। अगर आप दुखी हैं तो ये पर्सन भी उससे ज़्यादा दुखी है। आपके बिना इसकी ज़िंदगी ऐसी हो गई है जैसे कि एक वीरान खंडहर। तो ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी तो जी रहा है पर जी कर भी नहीं जी पा रहा है। इसकी ज़िंदगी से खुशियां रूठ सी गई हैं, ये बहुत उदास है, परेशान है। बस ये पर्सन ना जिए जा रहा है अपनी लाइफ को। इसकी ज़िंदगी में आपके बिना कोई रंग नहीं बचा है। अगर ये पर्सन मूव ऑन करके शादी कर चुका है तो भी ये खुश नहीं है उस पर्सन के साथ में। इस पर्सन को आपकी यादें सता रही हैं, आपकी जो बातें हैं वो सता रही हैं। ये पर्सन ना भुला कर भी नहीं भुला पा रहा आपके साथ को। इस पर्सन की लाइफ में अगर आप नहीं हैं और ये आपकी लाइफ में वापस भी नहीं आ पा रहा ना, तो ये पर्सन के जीवन में कुछ तो एक ऐसी बात है, कुछ तो एक ऐसी चीज़ है जो इसे रोके हुए है, आपकी तरफ आने नहीं दे रही है। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में दूरियाँ बना रही हैं। ओके व्यूवर्स, तो आज सुबह जो आपके पर्सन थे ना, इन्हीं दूरियों के बारे में बातें कर रहे थे, आपके बारे में बातें कर रहे थे, आपको बहुत मिस कर रहे थे। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी और कुछ तो रेजोनेट की होगी। और ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे, जितना जिसके साथ रेजोनेट करती है वो उतना ही लें। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।